वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है और कल हम एक वीडियो में मिले थे कि जिसमें हम साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट आए थे और हमने इनका कंट्रोल रूम देखा था। अब से कुछ देर पहले आपने कुछ वीडियोस देखी हैं और आपने देखा है कि क्वेटा में लॉकडाउन होने के बावजूद पूरे तरीके से लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम कंट्रोल रूम्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो क्या काम कर रही है या क्या नहीं कर रही। जाम साहब के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, s&gad डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, s&it डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो लोकल NGOs हैं या इंटरनेशनल NGOs हैं, जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। बट एज ए सिटीज़न हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और हम अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग अपनी एहतियात कीजिए, क्वारंटाइन में रहिए। हम जैसे लोग वॉलंटियर बेसिस पे बाहर निकल के आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप लोग अपने लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं जाम साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज को, जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं, उन्हें इतना एम्पावर करें कि वो इस लॉकडाउन को इंश्योर कर सकें। और जो हमने अभी पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि शॉप्स बंद होने के बावजूद लोगों की चहलकदमी बहुत ज़्यादा है, उसे कंट्रोल किया जा सके, जो गैदरिंग्स हैं, जो रोडों पे लोग इकट्ठे होके खड़े हो रहे हैं, उसे कम किया जा सके। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकती है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो भी करे। और मैं अवामुन्नास से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी एहतियात अपने ऊपर लाजिम कर दें। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।